साथ निधि यादव, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। मध्य प्रदेश के दतिया जिले की भांडेर विधानसभा से नव निर्वाचित विधायक फूल सिंह बराया भारी मतों से विजयी हुए, जीतने के बाद उन्होंने क्षेत्र की जनता का आभार जताया। आपको बता दें कि जिले की भांडेर सुरक्षित सीट पर कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बराया ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम सिंह पिरोनिया को 28,942 से बड़े अंतर से हरा कर ये जीत हासिल की है। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता को दिया है। उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना का कोई फैक्टर इस चुनाव में काम नहीं किया, लेकिन बीजेपी की प्रचंड जीत का आकलन किया जाना जरूरी है। वह अपने पार्टी के नेताओं के साथ बैठेंगे और प्रदेश में पार्टी के चुनाव परिणामों की समीक्षा भी करेंगे। सबसे पहले तो ये जीत हमारे उन जनता जनार्दन के लिए समर्पित है, हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित है, हमारे उन साथियों के लिए समर्पित है जिन्होंने पिछले 15 वर्षों में अपना संघर्ष किया और अपनी जान तक आहुति कर दी, जिसमें मुरारी लाल गुप्ता जी भी शामिल हैं, उसमें हमारे भाई भी शामिल हैं, उसमें हमारे और तमाम साथी शामिल हैं। सबसे पहले तो उनको विनम्र रूप से श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। ये जीत के रूप में उन्होंने इतना संघर्ष किया और इस संघर्ष के परिणाम को इतना आगे बढ़ाया कि आज हम विजेता के रूप में आपके बीच में खड़े हैं। विधानसभा चुनाव की मतगणना का कार्य पूर्ण हो चुका है। कटनी जिले की चारों विधानसभा सीटों पर भाजपा की जीत हुई है। विजय रघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय सत्येंद्र पाठक ने 98,010 प्राप्त कर कांग्रेस प्रत्याशी नीरज सिंह बघेल को 24,000 से अधिक मतों से शिकस्त दी है। वहीं मुडवारा विधानसभा सीट में भाजपा प्रत्याशी संदीप जायसवाल ने कुल 89,061 मत हासिल करके अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी मिथिलेश जैन को 24,000 से अधिक मतों से शिकस्त दी है। वहीं बहोरी बंद विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी प्रणय पांडे गुड्डू भैया ने कुल 94,817 मत प्राप्त करके कांग्रेस प्रत्याशी सौरभ सिंह को 23,000 से अधिक वोटों से शिकस्त दी है। इसी के साथ बडवारा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी धीरेन्द्र सिंह धीरू ने कल 11,12,916 मत प्राप्त करके अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी बसंत सिंह को 50,000 से अधिक वोटों से शिकस्त दी है। देखिए ये हम जब लोगों से मिल रहे थे और जिस प्रकार से मुझे स्नेह मिल रहा था लोगों का, लोग कह रहे थे जनता साइलेंट है। मैंने कहा जनता ने अपना काम कर दिया है। और कुछ लोग पूछते थे कि लीड क्या होगी, मैंने कहा लीड को छोड़ दो, लीड जनता के ऊपर छोड़ दो, ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, हमने अपनी मेहनत की है, जो भी लीड होगी वो देख मिलेगी। लेकिन मैंने 135 बोला था कि इससे नीचे हम किसी कीमत में नहीं होंगे, और साथ में ये भी बोला था कि आप अधिकतम कितना जाएंगे। तो मैंने बोला था कि 2003 का भी रिकॉर्ड टूट सकता है उस बार, और देखिए आज वो सब चीज़ें चरितार्थ हो रही है जो मैंने आपको पहले ही बोला था। इस बार आपकी जीत फिर सुनिश्चित हो गई है, जीत पर पहली प्रतिक्रिया आपकी? अभी प्रतिक्रिया तभी दूंगा जब जीत पूरी तरीके से हो जाएगी, क्योंकि अभी 12-13 राउंड हुए हैं और 14,500 की लीड है, अभी 7-8 राउंड और बचे हैं, वो पूरे कम्प्लीट हो जाए फिर जीत पर आपको पूरी प्रतिक्रिया दूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हो रही है, इसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय शिवराज जी और हमारी जो लाडली बहना योजना, इसको मैं बहुत बड़ा श्रेय देता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश उनकी केंद्रीय योजनाओं से आगे बढ़ रहा है, और आदरणीय शिवराज जी की जो राज्य स्तरीय योजना थी, इसका जो लाभ मिल रहा है उसी का कारण है कि जो सेवा किया, ना केवल विकास किया बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की सेवा की, और कोरोना जैसी महामारी के समय भी लोगों के घर घर तक अनाज पहुँचाया, किसी को भूखे पेट सोने नहीं दिया, किसी को ऑक्सीजन के बगैर मरने नहीं दिया, किसी को दवाइयों की कमी नहीं आने दी। तो हर परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जन जन की सेवा में लगा था, आज ही उसका प्रतिफल मिलने जा रहा है कि एक तरफ सेवा, दूसरी तरफ विकास और तीसरी तरफ भविष्य। इंदौर से संवाददाता सरफराज खान की खबर। मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद भाजपाइयों में जहां खुशी का माहौल है, तो वहीं कांग्रेस के खेमे में मायूसी छा गई है। इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के कांग्रेस नेता संजय शुक्ला ने चुनाव हारने के बाद मीडिया से चर्चा की और अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं शहर की राव विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मधु वर्मा के सामने चुनाव लड़ रहे जीतू पटवारी की भी करारी हार हुई है। जीतू पटवारी कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए जनता के मत स्वीकारने की बात कही है और विपक्ष में रहकर जनहित के लिए आवाज उठाने की भी बात कही। अगर
लोकतंत्र में जीतने पे तो जश्न होता है, जिम्मेवारी होती है और भविष्य बनाने की एक कंधों पे जवाबदेही होती है, पर हारने पर भी प्रदेश में लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका निभाने का आपके पास अवसर होता है। तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी हर वक्त, 20 साल से पहले भी हमारी सरकार नहीं थी, हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, तो हर परिस्थिति में देश की, राष्ट्रीयता की, देशभक्ति की भावना का कांग्रेस पार्टी समर्थन करते हुए लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका भी निभाने में कभी गुरेज नहीं किया। जो ट्रेंड आए हैं आपके सामने, प्रदेश के सामने, देश के सामने, जो जनादेश मिला है उसको स्वीकार्य है और सर माथे पे। मैं जो जनादेश जनता देती है, सोच समझ के उनने अगर कोई निर्णय लिया है तो कांग्रेस पार्टी उसको स्वीकार करती है। और बाकी चीजें इसका मतलब कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि जिस परिवार का आदमी मुझे वोट दे रहा है तो उनके परिवार की महिला भी वोट देती है, बच्चे भी देते हैं। परंतु पहली बार ऐसा हुआ कि उनके परिवार के मुखिया का वोट मुझे मिल रहा है परंतु उनके परिवार का वोट नहीं मिल रहा। कहां है कि मोदी फैक्टर का असर हुआ है? इसमें कहीं ना कहीं घपला हुआ है, क्योंकि महेश गार्ड लाइन में वहाँ पुलिस डिपार्टमेंट रहता है, उसके अलावा और सफाई डिपार्टमेंट रहता है, परंतु उस बूथ से मैं हारा हूँ, परंतु उनके ही वोट से, उनके अधिकारी को कर्मचारी को वोट से मैं वहाँ जीता हूँ। झाबुआ से संवाददाता भूपेंद्र बरमंडलिया की खबर। आदिवासी बाहुल झाबुआ जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं और तीनों ही सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन अभी हाल ही में हुए 2023 विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए। झाबुआ जिले की 3 विधानसभाओं में से 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है तो 1 पर भाजपा को जीत मिली है। झाबुआ विधानसभा से कांग्रेस के कांतिलाल भुरिया विधायक थे, लेकिन उनकी जगह उनके पुत्र विक्रांत भुरिया को टिकट दिया गया था। विक्रांत भुरिया अपने पिताजी की सीट बचाने में सफल रहे। विक्रांत भुरिया ने भाजपा उम्मीदवार भानु भुरिया को 15,693 मतों से चुनाव में हराए। पेटलावत विधानसभा सीट पर बीजेपी के निर्मला दिलीप सिंह भुरिया को जीत मिली। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार वार सिंह मैंडा को 5,647 मतों से चुनाव में हराए। तो वही थानधला विधानसभा से कांग्रेस के वीर सिंह भुरिया भी अपनी सीट बचाने में सफल रहे। वीर सिंह भुरिया ने भाजपा के कल सिंह भाबर को 1,340 मतों से चुनाव हराए। वहीं अगर जिले के तीनों विधानसभा में नोटा में डाले वोटों की बात करें तो लोगों ने 10,266 वोट नोटा में डाले थे। ये चुनाव लड़ी हूँ मैं, तो ये उन्हीं के आशीर्वाद से लड़ी हूँ। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमेशा मुझे ये एहसास रहता था कि कहीं न कहीं वो मेरे पीछे खड़े हैं, मुझे रास्ता दिखाते हैं और हमेशा 24 घंटे वो मेरे साथ रहे। और आज उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ कहूँगी, मेरे कार्यकर्ताओं की मेहनत और उन्हीं की बदौलत आज यहाँ पे मैं फिर से जीत के उत्साहित तो है। अगर ऐसी जीत मिलती है तो उत्साह तो जरूर आता है और मेरे कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है कि हमारी सरकार भी बन रही है और यहाँ से जीत करके जाएंगे। देखिए, हम लोगों के लिए संघर्ष करते आए हैं, चाहे वो समाज हो, चाहे गरीब तबका हो, चाहे कोई से भी वर्ग का व्यक्ति हो, किसी का शोषण हुआ, पूरे मध्य प्रदेश में लड़ाई लड़ने का हमने काम करा है। और ये उसी चीज़ का आशीर्वाद है जो उनकी दुआ मिली है कि आज इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी एक तरफा 16,000 वोटों से हम झाबुआ विधानसभा जीत पाए हैं। और ये पूरा श्रेय मैं अपने पिताजी कांतिलाल भुरिया जी, हमारे कार्यकर्ता और सारे जनता को मैं देना चाहूँगा कि जिनके आशीर्वाद से आज इस रूप में मुझे मौका मिला, झाबुआ का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि आखिरी दम तक उनकी लड़ाई लड़ता रहूंगा। अगर आज हम विधानसभा में जा रहे हैं तो इसका पूरा जो सहरा है वो जनता और कार्यकर्ताओं की और मेरे पिताजी कांतिलाल भुरिया जी। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे से वरिष्ठ बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा विधानसभा का अनुभव है। एक विधायक के रूप में सबसे पहला मेरा जो जवाबदारी है मेरी जनता की तरफ है, मेरे कार्यकर्ताओं की तरफ है, और पूरी ताकत से जो विधानसभा में हमारे जनता की, हमारे लोगों की, हमारे कार्यकर्ताओं की आवाज़ उठाना रहेगी, वो पूरी ताकत से दमदम से उठाने का काम मैं करूँगा। अरे पूरी तरह से मैं तीसरी बार चुनाव करूँ और मैं ऐसा कभी, मेरे को नहीं लग रहा था कि इतनी वो जो परेशानी आई, फिर भी आज पूरे प्रदेश में माहौल को देखते हुए हमने, हम पर जनता ने विश्वास किया है, उसके लिए खड़े उतरेंगे। और हम लोगों ने पूर्व में 2 बार विधानसभा हमारे पूरे क्षेत्र के लोगों ने जिताया और जिता करके हम लोगों को विधानसभा भेजा था, उनको
जिस तरीके से मुझे मदद करना था उन दोनों कार्यकाल में पूरी तरह से भरपूर किया, और आज ये जो है प्रदेश की सरकार लाडली बहना वाला और लाडली बाप और वो फ्री वाला अनाज उसको लेकर के इस तरीके का नतीजा आया है। नेताओं को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि वो मेरी ताकत है और उन्होंने पूरे तन मन धन के साथ जो है मुझे चुनाव जिताया है, उसके लिए मैं उनका हमेशा आभारी हूँ। शाहरुख खान की फिल्म जवान की सफलता का धन्यवाद देने उज्जैन पहुंचे डायरेक्टर अरुण एटली अभिनेत्री जानवी कपूर के साथ महाकाल दर्शन करने पहुंचे। शाहरुख खान ने कहा कि फिल्म रिलीज के पहले आशीर्वाद लेकर गया था, वहीं जानवी ने कहा अच्छा अनुभव रहा। जय श्री महाकाल। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, बहुत आनंद लग रहा यहाँ आकर, और बहुत अच्छा दर्शन, शुक्रिया। जय महाकाल। दिस इज माई सेकेंड टाइम हियर। I got a great blessing during before Jawan release, and all this blessings and love for Jawan is Mahakal. Thank you so much, and Jai Mahakal. चुनाव परिणाम के बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भावुक हो गए। जनादेश को स्वीकार करते हुए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मैं लौट के आऊंगा, यह वादा है मेरा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। सरकार आपकी, ललकार आपकी, और दरकार भी आप, किसी खिंचे भ्रम में मत आ जाना। समुद्र का पानी उतरता देख के किनारे पे घर मत बना लेना। मैं लौट के आऊंगा, ये वादा है। ज्यादा समय आप भी जानते हो शांत रहने वाला चीज नहीं हूं, लेकिन उनको अवसर जरूर देना चाहिए इस बात का ध्यान रखें। मेरा कार्यकर्ता मेरे प्राणों से प्यारा तब भी था और अब भी, तब आपको लगता होगा, तब आपको लगता होगा कि मैं चुनाव के कारण कह रहा हूं, पर मित्रों सच में कार्यकर्ताओं में मेरे प्राण बसते हैं, वो जीतूं या हारूं ये तय मान के चलना। और इसलिए मैंने कहा कि बिल्कुल चिंता नहीं करना, सरकार आप ही की, जनता के लिए उसको करने दो, कार्यकर्ताओं के लिए मैं करूंगा। हर हफ्ते आपके बीच में इसी कार्यालय पे ऐसे ही मिलूंगा। सबकी कहा था कि कोई भी दिक्कत आपकी वो आपकी नहीं होगी, नरोत्तम की होगी। कोई भी परेशानी आपकी नहीं होगी, नरोत्तम की होगी। कोई भी समस्या आपकी नहीं होगी, मेरी होगी, लेकिन कार्यकर्ता की। जनता ने उनको चुना है तो उनको काम करने दो। छिंदवाड़ा से संवाददाता राकेश पीपले की खबर। मामला छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा तहसील के ग्राम पंचायत लहगडुआ का है, जहां पर दो दिन पहले लापता 60 वर्षीय बुजुर्ग का शव जबलपुर बरगी के पास मिला है, जिसको लेकर ग्राम पंचायत के ग्रामीणों के द्वारा अमरवाड़ा थाना के सामने बैठकर चक्का जाम और धरना पर घंटों प्रदर्शन किया। ग्रामीणों और परिवारजनों का कहना है कि 60 वर्षीय बुजुर्ग की तबीयत खराब थी और वह इलाज के लिए अमरवाड़ा तालाब रोड स्थित प्राइवेट क्लिनिक से इलाज करने अमरवाड़ा आए थे। ग्रामीणों और परिवार का कहना यह भी है कि बुजुर्ग पुरुष बंजारा सीसीटीवी कैमरे में क्लिनिक में जाते तो दिख रहा, लेकिन निकलते नहीं दिख रहा। परिवार वालों की मानो तो क्लिनिक के अंदर ही बंजारा के साथ कुछ घटना हुई। वह अमरवाड़ा आने के बाद से ही दो दिन से लापता थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी अमरवाड़े थाने में दर्ज कराई गई थी, और अब पशु बंजारा का शव जबलपुर बरगी डेम के पास मिली है। ग्रामीणों के थाने के सामने चक्का जाम कर डॉक्टर के ऊपर मामला दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई जा रही है। वहीं पुलिस एसडीओपी के द्वारा मामले की बारीकी से जांच करने का आश्वासन भी दिया गया। हाँ बताएं। ग्राम लेगड़वा से इलाज करवाने के लिए अमरवाड़ा आया पशु बंजारा, जिसमें सीसी कैमरा दिखाया गया, उसके जाने का दिख रहा है, आने का दिखा नहीं। इस कारण तीन दिनों के शनिवार के दिन की बात ये घटना, आके उसके पास भी पूछे तो उसने बोल दिया कि मेरे घर आने की दुकान पे घेरा डाल रहे करके उसने पुलिस वाले के पास फोन लगाया। इसमें फिर हमने रिपोर्ट डाले, रिपोर्ट डालने के बाद यहाँ से धरना पे बैठे,
जांच आने के मोबाइल द्वारा पता चला कि लाश वहाँ पाई गई बर्गीबान में जबलपुर पे, जिसमें कर्मचारी शासन प्रशासन बिल्कुल इस चीज़ में बिल्कुल ढीले सुबीरे से कोई सुनवाई नहीं। वो तो हमारे माध्यम से हम गरम हुए, इसमें पता हम स्वयं पता किए, जिसमें कर्मचारी बिल्कुल अभी भी शांत पूर्वक से बैठी हुई है, जिसमें हमारी कोई सुनाई नहीं है। आपके ग्राम लेगड़ों से मेरे पुशु दादा राठौर अमरवाड़ा आए थे इलाज करवाने के लिए डॉक्टर श्रीवास्तव के पास, दो तारीख को आए थे, दिन शनिवार था। उधर से वापस नहीं गए, उन्होंने 12:13 में उनके दुकान के अंदर घुसे थे क्लिनिक में इलाज करवाने के लिए, और उधर से फिर उन्होंने क्या किया क्या नहीं, और जबलपुर जिला बर्गी डैम पे देख के आ गए, उनको लाश मिली है, और अभी डॉक्टर थाना के अंदर है, बाहर नहीं निकाल रहे पुलिस वाले भी, और वो भी नहीं निकल रहा है। पुलिस वाले सब कैसे ले लिए? आपकी क्या मांग है? अभी हमारी ये मांग है कि डॉक्टर को बाहर आना चाहिए और जुर्म कबूल करना चाहिए और हमारे साथ मदद करे कि लाश लाने के लिए। फिलहाल कुछ बड़ी और अहम खबर में बस इतना ही, बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।